अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर एक, इनमें से किस शहर का नाम कुरान शरीफ में आया है? आपके ऑप्शन हैं ए तुर्की का, बी मिस्र का, सी अमेरिका का, डी भारत का। सही जवाब है बी मिस्र का नाम कुरान शरीफ में आया है। सवाल नंबर दो, सबसे पहले अपनी और अपने बच्चों की खतना किसने की? आपके ऑप्शन है ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने बच्चों की खतना की थी। सवाल नंबर तीन, वह कौन सा साल था जिसमें मुसलमानों ने 42 रोज़े रखे थे? आपके ऑप्शन हैं ए 1930 में, बी 1945 में, सी सन 2010 में, डी सन 2012 में। सही जवाब है बी 1945 में मुसलमानों ने 42 रोज़े रखे थे। सवाल नंबर चार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी ज़बानें जानते थे? आपके ऑप्शन हैं ए 1100, बी 3600, सी 4100, डी 5500। सही जवाब है बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3600 ज़बानें जानते थे। सवाल नंबर पाँच, सबसे पहले बालों में मांग किसने निकाली? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बालों में मांग निकाली थी। सवाल नंबर छः, किस चीज़ का कतरा नाभि में डालने से कभी पेट बाहर नहीं आएगा? आपके ऑप्शन हैं ए नारियल पानी, बी अदरक का रस, सी लहसुन का रस, डी सरसों का तेल। सही जवाब है सी और डी, लहसुन का रस और सरसों का तेल नाभि में डालने से कभी पेट बाहर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, यह मालूमाती तोहफ़ा आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।